नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। खबर हम आपको बता देना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के हरसूद तहसील के ग्राम उंडेल के पास आज स्कूल के बच्चों से भरी मारुति वैन पुलिया के नीचे जा गिरी। रास्ते से जा रहे लोगों ने गड्ढे में कूदकर वैन में बैठे बच्चों को तत्काल बाहर निकाला। वैन पलटने से बच्चों को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के बाद परिजन घर ले गए। घटना के बाद बच्चे काफी घबरा गए। स्कूल वैन हरसूद की एक निजी स्कूल की होना बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मारुति वैन उंडेल से स्कूल के बच्चों को लेकर हरसूद जा रही थी, तभी रेलवे पुलिया के नीचे पलटी खा गई। मारुति वैन के चारों पहिए एक साइड ऊपर हो गए। पलटने के बाद मारुति वैन से बच्चों को तत्काल बाहर निकाल लिया गया। वैन पलटने के बारे में बच्चे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। जानकारी के मुताबिक वैन में 10 से 12 बच्चे सवार थे। जानकारी मिलते ही अभिभावक भी मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को सहेजला के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उनका उपचार कराया गया, जिसके बाद परिजन बच्चों को लेकर चले गए। तो ये इस समय की एक खबर हम आपको बता रहे हैं। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। ये वाली यहाँ से सीधी जाकर बच्चों की ओमनी भरी हुई थी, बच्चे थे, यहाँ कर पलट गई है। ग्राम उंडेल की बच्चों द्वारा ये गाड़ी जा रही थी, अचानक पलट गई। गनीमत ये रही कि कोई भी आहत नहीं हुई, किसी को कोई ज़्यादा नुकसानी नहीं हुई। हल्की चोटें आई हैं बच्चों को, उन्हें उपचार के लिए नज़दीकी डॉक्टर के पास ले जाया गया है।